हेलो, मैं राज किशोर सिंह। मैं अक्सर कविताएं लिखा करता हूँ, लेकिन कविताएं लिखते लिखते मैं लिख देता हूँ ढेर सारी कहानियाँ उन्हीं कविताओं में। लेकिन इस बार ही ना, मैंने एक कहानी लिखी है जिसका नाम रखा है कि फिर हम कभी नहीं मिले। शुरुआत करता हूँ। वो ना शुरुआत से अपने कलाई में दो धागे बांधा करती थी, एक सफ़ेद रंग की और एक काले रंग की। सफ़ेद रंग मेरी पसंद का था और काला रंग उसकी पसंद का। मैं ये सारी बातें जानता था, फिर भी मैंने एक बार उससे बस पूछ दिया था कि ये काला रंग कहीं मेरे काले रंग के लिए तो नहीं है ना। तो वो ना इस बात के लिए घंटों लड़ी थी मुझसे, और फिर हर बार की तरह लड़ते लड़ते मेरे गले लग कर रोई भी। हाँ, वो अक्सर यही करती थी। वो जब भी मुझसे लड़ती तो फिर लड़ने के बाद वो मेरे गले लग कर रो भी लेती थी। वो रोंदू बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। बस एक मैं ही था जिसके पास वो रोती थी, और मैं उसे इस बात के लिए कभी मना भी नहीं करता था। वो बहुत ही बेवाक किस्म की लड़की थी, बहुत ही बेवाक किस्म की। उसे मन में जो भी आता वो बस कह देती थी बिना सोचे समझे, और पूरी राम कहानी सुनाने के बाद वो बड़े प्यार से पूछती थी, कहीं हम ज़्यादा तो नहीं बोल दिए ना जी। अच्छा देखिए, जो है सो है, हम बोल दिए तो बोल दिए, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ हो तो मैनेज कर लीजिएगा। अब हम किसके पास बोलने जाएं जी, आप ही बताइए। मैं बस मुस्कुरा कर रह जाता था उसकी इस बात पर। एक बारी ना वो अपनी सहेलियों के किस्से सुना रही थी, और मैं उसकी गोद में लेटा हुआ था, और वो किस्से सुनाती रही, और पता नहीं चला मेरी आँख कब लग गई और मैं सो गया। काफ़ी देर बाद उसने मुझे जगाया और बोली, क्या जी हम पागल हैं क्या, तब से बक बक कर रहे हैं और आप सो गए। मुझे लगा हो गया, आज तो बात बढ़ेगी। लेकिन फिर मैंने ना बड़े प्यार से उससे बोला, अरे नहीं पागल, मैं सो नहीं गया था। वो ना तुम्हारी बातों में एक नशा है, मैं उसमें कहीं खो सा गया था, मदहोश सा हो गया था। वो ना बस मुस्कुरा के रह गई और बोले, आप भी ना गजब है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये लड़की है कौन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और वो जब इतनी अच्छी थी, इतना प्यार करती थी, तो फिर मैं ये थी क्यों लगा रहा हूँ। होता क्या है ना कि सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता। उस दिन हम लोग हमेशा की तरह बस के कोने वाली सीट पर बैठे हुए थे, लेकिन उसके बात करने का अंदाज बिल्कुल अलग था। वो इतना सीरियस कभी नहीं होती थी जितना उस दिन थी। वो मुझे समझा रही थी कि किसी के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, और ब्ला 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 बहुत सारी बातें जो कि वो पहले कभी नहीं करती थी। बस बोलती जा रही थी और हर बार की तरह मैं बस सुनता जा रहा था उसके। काफ़ी देर बोलने के बाद मैंने उसका हाथ पकड़ा और प्यार से पूछा, सब ठीक है ना। उसने मुझसे नज़रें हटा ली और बोला, हाँ हाँ सब ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगा चलो सब ठीक है, मुझे लगा हो सकता है कोई बात हो जो उसे परेशान कर रही हो और वो बताना नहीं चाह रही हो, जब वक्त आएगा तो खुद बता देगी। काफ़ी देर बात करने के बाद अब उसका बस स्टॉप आने वाला था। उसने हमेशा की तरह कहा कि अपना ध्यान रखिएगा और खाना टाइम पे खाया कीजिएगा, थोड़ा शरीर बनाइए। मैं बस हमेशा की तरह मैंने मुस्कुरा दिया। उसका स्टॉप आ गया, उसने मेरे हाथ से हाथ टकराया और वो उतर गई। मैं काफ़ी देर तक घूरता रहा उसी दरवाजे को, और फिर मेरा भी स्टॉप आ गया। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि वो आखिरी दफ़ा मिल रही है, क्योंकि उसने तो जाते वक्त एक लाइन बोली थी कि ठीक है फिर मिलते हैं, और मैं इसी उम्मीद में था। उसके बाद न जाने कितने फ़ोन कॉल्स, कितने मैसेजेस और न जाने क्या क्या, बट फिर हम कभी नहीं मिले, कभी नहीं। तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी ये कहानी। पहली दफ़ा कोशिश की है मैंने।